नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करके ये दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग कर रही है। राहुल के दावे पर देश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है, लेकिन सवाल है कि डरो मत का नारा देने वाले राहुल गांधी क्या खुद डर गए हैं? देखिए रिपोर्ट। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किया। जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली। जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अचानक राहुल गांधी को क्यों सताने लगी ईडी सीबीआई की चिंता? डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं। उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अचानक राहुल गांधी क्यों ईडी को चाय बिस्किट का न्योता देने लगे? क्योंकि किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। कितना ये सरकार ईडी आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। पूरी की पूरी कांग्रेस ना पहले डरी है, ना आज डरी है, ना आगे डरेंगे। राहुल गांधी तुम्हारा दिमाग दिखाओ, हॉस्पिटल में जाओ, ताओ तुम्हारा दिमाग दिखाना बहुत जरूरी है। दरअसल रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कल यानी 1 अगस्त की रात 1:52 पर एक पोस्ट किया। राहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जाहिर है कि 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं दिल खोलकर ईडी का इंतजार कर रहा हूँ, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। उस दिन 29 जुलाई थी जब राहुल गांधी ने लोकसभा में महाभारत कालीन चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को घेरा था। उस दिन राहुल गांधी ने कहा था कि पूरा देश बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस गया है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम है। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। आप पद्मव्यूह चक्रव्यूह बनाने का काम करते हो। अब राहुल के इसी बयान और पोस्ट पर सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सहयोगी सरकार पर हमलावर और एजेंसियों पर डराने का आरोप लगा है, तो बीजेपी इसे राहुल का डर बता रही है। भाजपा के डीएनए में तानाशाही। देख रहा था उस दिन कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण। दो बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए डिस्टर्ब करने, दो बार गृह मंत्री जी और फिर दो बार राजनाथ जी। जो बची खुती चुनाव में इज्जत थी भाजपा की, 303 से 240 पे आ गई, इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। मैं समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूँ, वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी को अचानक ये पोस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी देर रात 1:52 पर। क्या राहुल गांधी को यकीन हो गया है कि वो किसी खास मामले में फंसने वाले और ईडी उस मामले में जल्द कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि बीजेपी भी दावा कर रही है? ऐसे में इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी पहले से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं, देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। देश के बजट को, उनकी दादी ने भी देश के कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना और देश को मिल बांट के खाना, इस तरह की बातों को इम्प्लाई करना ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इनका बिल्कुल जो तरीके हैं, सोच हैं, वो बिल्कुल
बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत संवैधानिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। तो डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, इस नारे के साथ राहुल गांधी की तस्वीर को कई दिनों तक कांग्रेस नेताओं ने अपना प्रोफाइल फोटो बनाकर रखा था, लेकिन आज बिना किसी सबूत, बिना किसी तथ्य के कौन डर रहा है, इस सवाल की धमक पूरे देश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में भरे पानी से 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कई सवाल किए हैं। जेल से सरकार चलाने पर भी सवाल खड़े किए, तो वहीं रेवड़ी कल्चर का जिक्र कोर्ट की तरफ से किया गया, पुलिस को फटकार लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि कल्पना कीजिए कि हम यहां किस प्रशासनिक अराजकता से निपट रहे हैं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ संस्थानों ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली में कैबिनेट की पिछली बैठक कब हुई थी, दिल्ली में कैबिनेट की अगली बैठक कब होगी। कोर्ट ने कहा कि पिछले 6 महीने से दिल्ली कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, इस दौरान किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए कि वो जल्द से जल्द कैबिनेट की अगली बैठक की तारीख कोर्ट को बताए। और कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने इसका जिक्र पहली बार किया हो, इससे पहले भी दिल्ली के स्कूलों में किताब के मामले पर सुनवाई के दौरान जेल से सरकार चलाने को लेकर के सवाल खड़े किए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके साथ ही सरकार की मुफ्त योजनाओं पर भी तीखी टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आज दिल्ली की आबादी 3.3 करोड़ है और लगातार यह आबादी बढ़ रही है क्योंकि यहां पर सब्सिडी है। कोर्ट ने कहा कि ये बड़े नीतिगत फैसले हैं, लेकिन हम किसी के प्रति असम्मान नहीं जाहिर करना चाहते। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इसको साइंटिफिक तरीके से हैंडल किया जा रहा है। कोर्ट ने पूरी दिल्ली के बुनियादी ढांचे पर दोबारा गौर करने की जरूरत का भी जिक्र किया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अगर केंद्र से बात नहीं मनवा पाएंगे तो वे आंदोलन करेंगे। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज है, देखिए रिपोर्ट। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नीयत पे सवाल उठ रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव भले ही अगले साल होने वाले हैं, सियासी माहौल बनाने और राजनीतिक मुद्दों को गरमाने का काम अभी से तेज हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 15 अगस्त से राजनीतिक यात्रा पर निकल रहे हैं। उसके पहले तेजस्वी ने आरक्षण के आजमाए हुए हथियार को फिर से धार देना शुरू कर दिया है। पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार, चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डाले। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए बीजेपी और जेडीयू दोनों पर निशाना साधा है। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नियत पे सवाल उठ रहा है, कि इनके नियत ही नहीं है कि इसको शेड्यूल 9 में किया जाए। तेजस्वी यादव के आरक्षण वाले दांव पर बिहार में सियासत बेहद गर्म है और बयानबाजी तेज। किसने क्या कहा वो भी बताएंगे, सुनाएंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि नवी अनुसूची है क्या और कैसे। तेजस्वी यादव नवी अनुसूची के बहाने राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे। भारत के संविधान में फिलहाल 12 अनुसूचियां हैं। नवी अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक लिस्ट है। नवी अनुसूची में शामिल कानून को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी नवी अनुसूची में डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा से छूट मिल जाती है। आपको बता दें, जातीय गणना के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण के मुद्दे को बढ़ाकर 65% कर दिया और इस मामले को नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भी भेज दिया। इसी बीच आरक्षण बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी। अब तेजस्वी यादव नवी अनुसूची के बहाने एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं, जिसका जवाब जेडीयू और बीजेपी के नेता दे रहे हैं।
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति की कार्यशैली वो क्या करेंगे, तेजस्वी यादव जी आपके सलाह की जरूरत नहीं है। ये अपने परिवार से बाहर जाकर तो उन्होंने किसी को आरक्षण दिया है क्या, और आज आरक्षण की हिमायती बन रहे हैं? नेता बनेंगे तो राबड़ी देवी, नेता बनेंगे तो तेजस्वी यादव, नेता बनेंगे तो लालू यादव, इसके नेता बनेंगे तो मीसा भारती, इसके इतर कहां गए तेजस्वी यादव? फिलहाल बिहार सरकार की अर्जी केंद्र सरकार के पास है और मामला सुप्रीम कोर्ट में। विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय है, ऐसे में आरक्षण के इस मुद्दे पर जमकर सियासत होने की उम्मीद है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया है और फैसला यह है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही कि यह कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है, पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं हुआ, पेपर लीक का असर केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह साफ कर दिया गया कि यह मुद्दा 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ है, जबकि पेपर लीक का फायदा सिर्फ 155 छात्रों को मिला। यानी 155 छात्रों ने जो किया उसकी सजा देश के 24 लाख छात्रों को नहीं मिलेगी, लेकिन भविष्य में इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए कोर्ट ने एनटीए की ढांचागत खामियों पर भी ध्यान दिया। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सही ठहराया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया कि सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, लेकिन सत्य की सदा ही जीत होती है। निष्कर्ष और फैसला उस दुष्प्रचार को सिरे से खारिज करता जो फैलाया जा रहा था। सत्ता पक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को सही ठहराया। विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी कि परीक्षा में विसंगतियां थी। ऑल अलोंग सेड दैट द question paper leak was limited to one or two places and it was and it had not impacted the whole of the examination. This in a very mischievous and irresponsible manner Rahul Gandhi and the opposition kept demanding for a re-examination for all the 23 lakh people students in the country. Gadbadi to hai, ye to aa gaya ki gadbadi hai isme, to jab gadbadi hai to zimmedar kaun hai? Sarkar zimmedar hai. Imtihan ho rahe hain bharti ke liye या लोगों की पढ़ाई के लिए, उनमें जो है पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, गड़बड़ियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगाई कि हाँ गड़बड़ी है। सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की वो पारदर्शी तरीके से हुई है, अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जाँच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। एक ही नंबर 67 बच्चों को कैसे मिल गया, दसवीं के बच्चे से अगर आप पूछिए वो भी कहेगा ये गड़बड़ी और घोटाला हुआ है। नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और जो री एग्जाम की मांग है कि नीट की दोबारा परीक्षा कराई जाए, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल में जारी कुदरत के कहर की बात अब, और इन दोनों ही राज्यों में जल प्रहार लगातार जारी है क्योंकि मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों लोगों की जान मुश्किल में है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बचा चुके हैं, हालांकि अभी भी बहुत लोग लापता है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही, केदारनाथ से कुल्लू तक आसमान से बरसी मौत, टूटे पहाड़ आफत बादल फाड़। अगस्त का ये महीना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए तबाही का मंजर लेकर आया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी दोनों पहाड़ी राज्यों में आसमान से मौत बरसी है। कुदरत के इस कहर के सामने लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालत ये है कि जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड भी कुदरत के प्रकोप से अछूता नहीं है। केदारनाथ से लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां जिस तरह से पहाड़ से पत्थरों के गिरने का वीडियो सामने आया उसे देखकर कोई भी सहम जाएगा।
लैंडस्लाइड की वजह से वहां कई रास्ते बंद हो गए, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और अब तक 2200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रास्ते में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लोगों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद सीएम धामी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तबाही की तस्वीर सोन प्रयाग से भी सामने आई। जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ टूटते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि मलबा गिरने की वजह से वहां कई रास्ते बंद हैं। एसडीआरएफ की टीम लोकल लोगों की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है और मंदाकिनी नदी के किनारे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऐसी तबाही मची कि लोग देखते ही रह गए। यहाँ मलाना डैम टूटने से पार्वती नदी उफान पर है। नदी की तेज धारा अपने साथ 3 मंजिला सब्जी मंडी को बहा कर ले गई। बताया जा रहा है कि उस इमारत में 12 दुकानें, 8 कमरे और 2 दफ्तर थे और अब नदी की गोद में सिर्फ इमारत का मलबा ही नजर आ रहा है। नदी के कटाव की वजह से इस इलाके का मुख्य रास्ता भी बह गया है और अब जो इमारतें नदी के किनारे खड़ी हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंडी में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। वहां बादल फटने से जो तबाही मची है उससे हालात बहुत भयानक हुए हैं। यहां बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड भी हुआ जिसकी चपेट में 3 घर आ गए थे। अब तक 3 शव बरामद किए जा चुके हैं और कई लोग लापता हैं। पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मंडी में एक तरफ जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहीं लोग मलबे में दबे अपनों की तलाश में जुटे हैं। परिवार के तीनों सदस्य चले गए। एक मेरी धोती गई, एक मेरी घरवाली गई, एक मेरी माँ गई और साथ में घर भी बह गया और कुछ नहीं रहा। मेरी गुहार है, मेरे पशु पड़े 4, वो पशु मेरे गवर्नमेंट संभाले और गौशाला में छोड़ दो, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है। मैं गांव में कितने घर जो है वो ढह गए हैं, इसमें कम से कम याद नहीं आ रही, मैं पजल हो चुका हूँ। जब 11:15 बज रहे थे रात को, उस टाइम भूकंप हो गया सर, ठीक है। उसके बाद जो जैसा मैं दूसरे घर मकान से ही इधर आया तो मैंने देखा उधर वाले मकान गए, उधर गए मैंने देखा यहाँ जा हमारे पूरे का पूरा जो हो गया था। शिमला में भी लैंडस्लाइड की वजह से तबाही हुई है। यहाँ जमीन खिसकने की वजह से मलबा कई गाड़ियों पर गिर पड़ा जिससे लोगों को खासा नुकसान हुआ। इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गए तो पेड़ गिरने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए। उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में इन दिनों बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। कर्णप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर है जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की है। रामनगर में भी नदी नालों के उफान की वजह से सड़कें बह गई हैं और कई पेड़ उखड़ गए जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो गए। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। तो चलिए अब बात राजस्थान की भी कर लेते हैं क्योंकि राजस्थान में भी भारी बारिश की वजह से साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस इफेक्ट की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है बीकानेर के कोलायत की, जहां नदी में कटान होने की वजह से रेल ट्रैक डूब गया। तो देखिए किस तरीके से भारी बारिश के बाद प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हालात पैदा हुए हैं। देखिए 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें हैं। जो दूसरी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पानी में आप देखिए बस फंसी हुई है, दूधू की ये तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर नाले में जो है बाइक सवार फंसा हुआ, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो कोलायत के बीकानेर में इतनी तेज बारिश हुई कि पटरियां पानी से भर गई और इसी दौरान मालगाड़ी को गुजारा गया। दूधू और फागे की तस्वीरें जहां पर वाहन रोडवेज की
गाड़ी फंस गई थी, उसे ट्रैक्टर से निकाला गया, जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का निर्वाचन इलाका है डिप्टी सीएम का, और पानी में फंसने के बाद किस तरीके से रोडवेज को निकालना पड़ा उसकी तस्वीर, इसके बाद दो ट्रैक्टर भी यहाँ पर बुलाए गए थे। और तीसरी तस्वीर है पाली के सोजत इलाके की, जहाँ पर देसूरी में उफंती केलवाज नदी को पार करते वक्त एक युवक बाइक समेत तेज बहाव में बह गया था। इसे हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। आखिरी जो तस्वीर अजमेर के किशनगढ़ की, यहाँ पर पहाड़ी का एक ऊपरी हिस्सा किस तरीके से देखते देखते बह गया, वो कैमरे में कैप्चर हुआ है, लोगों में आसपास के यहाँ पर दहशत फैल गई है। पश्चिमी अफ्रीकी देश टोगो का संसदीय शिष्टमंडल भारत दौरे पर रहा। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की ओर से शिष्टमंडल का स्वागत किया। तो वहीं प्रशिक्षण के दौरान शिष्टमंडल ने दोनों सदनों की संचालन की प्रक्रिया को भी देखा और संसदीय समितियों और न्याय प्रणाली की बारीकियों को भी समझा। शिष्टमंडल में लोकसभा अध्यक्ष को टोगो की यात्रा के लिए गए निमंत्रण भी दिया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय दल का स्वागत किया। टोगो के मंत्री, संसद के सदस्य, न्यायाधीश इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे, जहां पर टोगो के प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को टोगो की यात्रा का निमंत्रण दिया है और उनसे अनुग्रह भी किया है कि वे टोगो पधारें और वहां के सिस्टम को देखें, यात्रा करें। वहीं जैसे ही प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा था, इसके बाद कई जगहों का भ्रमण भी किया गया, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से मुलाकात की गई। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।